डोमेस्टिक एयरपोर्ट में कोई सोचता भी नहीं था कि इन क्षेत्रों में भी वायु सेवा कभी आएगी। आज बरेली वायु सेवा से जुड़ चुकी है, आगरा में वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है, प्रयागराज में वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। और आप आश्चर्य करेंगे कि उड़ान योजना ने प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, यह साकार हुआ है। कितनी तेजी के साथ इसमें विस्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इन आंकड़ों को आप देखेंगे, गोरखपुर में 16-17 में वर्ष में केवल 54,000 पैसेंजर यात्रा कर पा रहे थे और आज यह संख्या 7 लाख से ज्यादा है, 7,18,000 अकेले गोरखपुर से जो एयर कनेक्टिविटी हुई है उसके माध्यम से यात्री आ जा रहे हैं। प्रयागराज में 45,000 से बढ़कर के 5,71,000 हुआ है। लखनऊ में 39,68,000 से बढ़कर के यह 52,50,000 से अधिक यह संख्या बढ़ी है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल है और इसी पोटेंशियल को ध्यान में रखकर के तेजी के साथ वायु सेवा का विस्तार किया जा रहा है। अब आजमगढ़ में भी वायु सेवा चलेगी, श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, सोनभद्र में कर रहे हैं, चित्रकूट में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, मेरठ में, सहारनपुर में, यानी ये वे जगह हैं जो अछूती सी रह गई थी। इन सब को हम वायु सेवा के साथ बहुत शीघ्र जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 5 एयरपोर्ट के लिए हमारे साथ एमओयू कर लिया है, जो हम लोगों ने राज्य सरकार की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पहले सौंप हम चुके हैं कि इनमें वो अपनी जो उनकी देख रेख में वहाँ वायु सेवा प्रारंभ हो। मेंटेनेंस आदि के बारे में जो भी हमारे एमओयू के अंतर्गत शर्तें उसके अनुसार राज्य सरकार उसमें अपना सहयोग करेगी। ये सुविधा आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के अनेक कदम उठाए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा इंडिको को कि 2005 में प्रारंभ हुई ये सेवा एक्टिव रूप से 2006 से प्रारंभ होती है और आज देश के अंदर अपनी बेहतरीन सेवा के लिए जानी जा रही है और तेजी के साथ इसमें जो विस्तार हो रहा है, लोगों की मांग है, डिमांड है और मुझे लगता है कि क्वालिटी सर्विस आज की आवश्यकता है। एक पैसेंजर के साथ अच्छा व्यवहार हो, वह जिस विश्वास के साथ यात्रा करने के लिए आता है उसको पूरी सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का एक व्यवहार, सद्व्यवहार उसके साथ हो, समयबद्धता का ध्यान रखते हुए हम अपनी सर्विस को उपलब्ध कराते हैं, तो पैसेंजर में इसका एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव जाता है और आने वाले समय में सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं में हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में लगभग 2000 नए एयरक्राफ्ट भारतीय बाजार में आने वाले हैं, जो वायु सेवा को और बेहतर करने में, लोगों की उड़ान को और उनकी महत्वाकांक्षा की उड़ान को एक नई दिशा देने में योगदान करेंगे। उस कंपटीशन के लिए सभी को तैयार होना होगा और आज का समय तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का है। इस प्रतिस्पर्धा में जो क्वालिटी देगा, जो समयबद्धता के अनुसार आगे बढ़ पाएगा, वह टिक पाएगा और यह आज की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का लाभ इंडिगो ले रहा है, अपनी सेवाएं आम नागरिकों को उपलब्ध करा रहा है, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं इस अवसर पर इंडिगो परिवार को, उनके सीईओ, उनके स्पेशल डायरेक्टर और उनके अन्य पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आज जिस उड़ान को आप लखनऊ से वाराणसी के बीच प्रारंभ करने जा रहे हैं, अब ये सप्ताह में 3 दिन है, इसको प्रतिदिन करना है और इसके टाइम शेड्यूल को ठीक करना, जिससे समय से कब लोगों की सुविधा हो सकती है आने और जाने के, उसको सही कर लेंगे
वे सेवा बहुत सफलतम सेवाओं में से एक होगी। यद्यपि आपके यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं कि 300 किलोमीटर की इस दूरी में वायु सेवा, लेकिन इसकी आवश्यकता है, लोग इसको महसूस करते हैं। और अगर इसी का महत्व तो नहीं होता तो पहला पैसेंजर जिसको हमने टिकट दिया है अभी वो रहने वाले गोरखपुर के, लेकिन वाराणसी जाना चाहते हैं, तो वाराणसी, इसलिए वाराणसी के महत्व को हम सबको समझना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वाराणसी ने, प्रदेश ने और देश ने एक नई प्रगति की है, प्रगति की एक नई उड़ान को आगे बढ़ाया है। और ये अवसर है जब इस सदी में हम लोग भारत की उड़ान को वायु सेवा की तर्ज पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर जो यात्रीगण पहली उड़ान के साथ जा रहे हैं, जिसमें से हमारे मंत्रीगण और हमारे माननीय विधायकगण, वाराणसी से जुड़े हुए हमारे सभी विधायकगण इस यात्रा से जा रहे हैं और वहां से वापस भी आएंगे, क्योंकि उनको विधानसभा के सत्र में भाग लेना है। मैंने स्पेशल उनके लिए कहा है कि भाई वे लोग आज इस यात्रा में जाएं और उसी उड़ान से फिर वापस भी आ जाएं। तो मैं उन सभी जो श्रद्धालुजन हैं, जो यात्रीगण हैं, जो आज इस यात्रा से यात्रा करेंगे, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनकी सकुशल यात्रा की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि यात्रा आपकी सफल हो। और इस सफल यात्रा के साथ ही वाराणसी लखनऊ के बीच वायु सेवा को हम सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दे पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इंडिगो परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार के माननीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी को, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, भारत सरकार के नागर विमानन के सभी अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।